सीरियल अनुपमा में अनुपमा शिफ्ट होने वाली है शाह हाउस, वो भी इस बार वो अनुज और आलिया दोनों को लेकर। क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। सीरियल के आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से वनराज फ्रॉड करके भाग गया है, यानी कि वनराज ने बिल्डर्स के पैसे हड़प लिए और वो भाग गया, और वो अमाउंट तकरीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा का है। जिसके बाद बिल्डर्स आके अटैक करता है तोशु को, गन पॉइंट पे करता है, और फिर बिल्डर्स चले जाते हैं। जिस वक्त तोशु मतलब वो है उल्टे खोखते का, तो तोशु मतलब सोच रहा है कि अगर सचमुच वनराज ने इतना बड़ा घोटाला किया फिर तो उसका ही बाप निकला। अब जो है तोशु कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा कि वनराज अब वापस आने वाला है नहीं, तो तोशु का जो बदतमीजी है और वो और भी ज्यादा हाई लेवल पे हो जाएगा, और तोशु जो है वो वनराज की जगह लेने की कोशिश करेगा। तोशु चाहेगा कि सब तोशु के अकॉर्डिंग रहे, तोशु के अकॉर्डिंग चले। कोई कुछ भी करता है वो तोशु से पूछ के करे, किधर भी जाता है वो तोशु से पूछ के। तोशु खुद को इस घर का नया वनराज शाह समझता है, साथ ही वो पगड़ी की रस्म भी करता है। तो तोशु की बदतमीजी को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि हो ना हो वनराज के वापस आने तक अनुपमा जो है शाह हाउस में भी रहेगी अर्ध्या और अनुज के साथ। अब अनुपमा फिर से दो भाग में बट रही है, अर्ध्या अनुज शाह परिवार। अब मुझे तो पर्सनल लगता है कि जिस शाह की वजह से अनुपमा को इतना कुछ सहना पड़ा, इतना कुछ झेलना पड़ा, उसे अब शाह की जो प्रायोरिटी है उसे कम रखनी चाहिए। जैसे वो इतने दिन से रखते आई है, आध्या अनुज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों काफी लंबे समय के बाद मिले हैं अनुपमा को। तो देखते हैं कि क्या होगा, क्या सचमुच अनुपमा तोशु को सबक सिखाने के लिए शाह मेंशन में रहती है। तो जो भी होगा हमें अपकमिंग एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कुछ होता है अनुपमा शाह हाउस में अनुज और आध्या के साथ अगर आती है, तो आपके अकॉर्डिंग अनुपमा का ये डिसीजन सही है? आपको क्या लगता है, अनुपमा ऐसा कुछ कर सकती है? अगर लगता है तो फटाफट से कमेंट करें, और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।